बंधुआ मजदूर की मानसिकता वही अपनाता है जो परिवारवादी वंशवादी लोग होते हैं। आचार से अकूत संपत्ति कमाते हैं। जो व्यक्ति अपने को समाजवादी परिवार के कहते हैं, अरे समाजवाद का ये चरित्र नहीं रहा। महोदय महोदय, ये बंधुआ मजदूर की मानसिकता वही अपनाता है जो परिवारवादी वंशवादी लोग होते हैं, जो भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमाते हैं। जो व्यक्ति अपने को समाजवादी परिवार के कहते हैं, अरे समाजवाद का ये चरित्र नहीं रहा। मेरे बगल के भी श्रद्धेय कपिल देव बाबू बड़हिया से आते थे, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भी हमने देखा था बड़हिया में जब गोली कांड हुआ था। पिताजी शिक्षक थे, साथ में देखने गए थे। क्या सादगी थी, क्या सरलता था, क्या सहजता था, क्या ईमानदारी था। ये समाजवाद का चरित्र था। समाजवाद का चरित्र ये नहीं था कि अरबों का मालिक बनकर के अपना बर्थडे चार्टर्ड विमान पर मनाएं। ये समाजवाद का चरित्र कहां से आ गया। कथनी करने में जिसकी समरूपता नहीं रहे महोदय, सत्ता के लिए समझौता करने वाले लोग। मैं तो पहले भी सत्ता में मंत्री के रूप में एनडीए को जनादेश मिला था। हमारे मुख्यमंत्री यही थे, जनता के जनादेश का इन्होंने सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण करके विकास की गति को बढ़ाया था। विकास की गति बढ़ रही थी, आसन पर हमें बैठने का सौभाग्य भी दिए थे। और मैं बता दूं कि मैं इस आसन पर बैठ करके सत्ताधारी दल के लोगों के भी आक्रोश को झेलकर नेता प्रतिपक्ष को लोकतंत्र की मर्यादा का रक्षा करते हुए बोलने का मौका देता था, क्योंकि आसन कहीं ना कहीं सदन का संरक्षक है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष हमें बनने का मौका मिला तो 55 मिनट के वक्तव्य में इसी आसन पर बैठे व्यक्ति 113 बार टोका टोकी करके डिमोरलाइज और डिलेल करने का मानसिकता प्रदर्शित किए। ये लोकतंत्र के संरक्षक कतई नहीं हो सकते। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे इन्होंने इतना बखान किया। मुख्यमंत्री जी, अरे आप पर दया किए। जंगल राज लाने वाले को जनता राज कहकर के सुधरने का मौका दिए, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। जिसकी लूट की मानसिकता हो, जो परिवारवाद वंशवाद को पोषित करता हो, विधायकों का अपमान करता हो, बंधुआ मजदूर के तरह पांच पांच बार छह छह बार माननीय प्रहलाद यादव जी जैसे लोग एक मजबूती के साथ आवे, उनको कोई सम्मान नहीं। कई लोग बैठे हैं, उसका अपमान करिए। लोकतंत्र है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में गरीबों की ताकत से, गरीबों के आशीर्वाद से वो राजगद्दी प्राप्त करता है। और आज वंशवादी के कारण विवश होकर के इनकी प्रताड़ना को हमने देखा है, किस तरह से जलील। और ये तो एक उदाहरण है। बैठे हैं कई विधायक, मैं अध्यक्षता उनके पीड़ा आती थी। कई लोग को उनमें क्षमता, उनमें महत्व ताकत रहते हुए ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया। उनके दर्द को हम लोगों ने सुना और हमने कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है, मुझे बिहार को बचाना है। मुख्यमंत्री जी ने सुधरने का अवसर दिया, नहीं सुधरा। यही आसन है नेता प्रतिपक्ष के नाते। हमने आग्रह किया था मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आपने जिसको सत्ता में लाने का अवसर दिया उसका नेचर नहीं बदला। आज राहुल साहनी की हत्या कर देता है, उस पर एफआईआर होने नहीं दे। और आपने कागज लेकर के जब कार्रवाई की बात किए तो अगले की छटपटाहट, परेशानी और हंगामा और ब्लैकमेलिंग का भाव
को आपने ठुकरा करके ये जता दिया, आपने बता दिया कि न मैं अपराध से समझौता करूंगा, न भ्रष्टाचारियों से समझौता करूंगा। अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपका जो मिशन था, आपने उस मिशन को फिर से साबित करके ये बता दिया कि बिहार की जनता की आंसू नहीं बहने देंगे। जनादेश एनडीए का था, एनडीए तब भी सत्ता में थी, एनडीए आज भी सत्ता में है। और अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं, अभी बोल रहे थे मैं जिम्मेवारी निभाऊंगा जनता के प्रति। अरे 5 वर्ष आपको नेता प्रतिपक्ष का अवसर मिला, आप बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में कितने लोगों के आंसू पोंछने के लिए, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेवारी होती है सरकार को सजग करना, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। 500 दिन के सफरनामा विपक्ष में 341 बार लगातार हमने किसी न किसी जिले के अंदर लोगों की आंसू पोंछे और उसकी समस्याओं के लिए सरकार तक आवाज पहुंचाई। लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। आपको तो पूरी तरह से दो दो पूर्व मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं एक अहंकार भरा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार से करोड़ों संपत्ति अर्जित करने वाले लोग पर जब कार्रवाई होती है तो भ्रम फैलाते हैं माहौल को। अरे हम ईमानदारी से काम करेंगे, कोई भी आके जांच कर ले, कोई भी किसी तरह का हमसे प्रश्न पूछेगा हम जवाब देंगे, हम रोएंगे नहीं, भटकाएंगे नहीं। आज नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाले, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाले, नियुक्ति के नाम पर प्रतिभा का हनन कर करके किस तरह से माहौल खड़ा किए, आज उस परेशानी को, उस झमेला को झेल रहे हैं। कहेंगे मैं बच्चा थे तो इतनी संपत्ति आया कहां से, और जिसने आपको संपत्ति दे करके आपको बर्बाद करने की कहानी लिखा, आपने क्यों नहीं सत्य को बता देते। बिहार को बचाना है, बिहारी के गाड़ी विकास की गाड़ी को बढ़ाना है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सांस्कृतिक विरासत का अपमान किस तरह से किया जाता है, बार बार आस्था पर चोट किया जाता था, बार बार रामचरित मानस पर प्रश्न उठाया जाता था, बार बार सनातन के संतानों को अपमानित और कलंकित करने का खेल खेलता था, और आप सत्ता में, सत्ता की मलाई खाने में इतने अंधभक्त हो चुके थे। मुख्यमंत्री जी बार बार रोकते थे कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होगा, लेकिन आप बार बार एक खास समुदाय के लोगों को अपमानित करने का, हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु भगवान राम पर, रामचरितमानस पर प्रश्न उठा करके आपने सत्ता के लोलुपता को प्रदर्शित किया। क्या जिम्मेवारी आपने निभाया महोदय? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिलकर के बिहार की दशा को, दुर्दशा को देख करके, अपराध और भ्रष्टाचार जो जंगल राज वाले लोग गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे, मैंने बार बार नेता प्रतिपक्ष के नाते आवाज उठाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बताता था, सड़क पर भी, सदन में भी, कि ये लोग त्राहिमाम मचा दिया है। और हम धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को कि आपने संज्ञान लिया, आपने उसे बता दिया कि मैं अपराधियों से और भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करेंगे। आज ऐसे लोग जब सत्ता से बाहर गए हैं तो उनकी बेचैनी झलक रही है, सत्ता में रहते हुए मौन थे, कौन थे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि हमने किया, अब कंक्लूड। अरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन था, भाजपा का, जदयू का, एनडीए गठबंधन का विजन था। 2005 से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू ही, माननीय राज्यपाल महोदय ने भी उसको पढ़ा। आपका विजन क्या था? बहाली की प्रक्रिया 15 साल जब मिला था शासन, तो चरवाहा विद्यालय से बाहर क्यों नहीं निकल सके?
क्यों विद्यालय की स्थिति खस्ता कर दिए, क्यों व्यवस्था नहीं बना सके, कौन सा भीजन था, नियुक्ति का मामला हो, जातीय गन्ना का मामला हो, मैं बता देना चाहता हूं कि जातीय गन्ना में ये बोल रहे हैं, है हिम्मत, खुला चुनौती देते हैं कि आपके 15 साल के जंगल राज में लोक पलायन के लिए विवश हुआ, लोग यहां से अपना कारोबार बंद किया, दूसरे राज्य में हमारा नौजवान प्रतिभा का सम्मान कराने के लिए मजदूरी करने पर विवश हुआ, निवेशक बिहार के अंदर नहीं आया, और जब आप सत्ता में आ गए तो जो निवेशक आया वो ठहर गया, आपका यही उपलब्धि है। आपने आज मुख्यमंत्री जी ने जातीय गणना के तहत आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे भी कराया, 34% लोग, 94 लाख परिवार।